जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों में प्रचार प्रसार और रैलियों का दौर तेज हो गया है। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री ने भारत के द्वारा स्पेस में हासिल की गई बड़ी उपलब्धि के बारे में बताया और कल यूपी के मेरठ में जनता को संबोधित किया। ये तो थी बीजेपी और पीएम मोदी की बात। अब जब चुनाव की बात है तो जाहिर है कि हर राजनीतिक पार्टी रैली करेगी। इसके चलते कांग्रेस महासचिव और पूर्व यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज अयोध्या दौरे पर हैं। हाँ, पहले प्रियंका गांधी का हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही तीन जगहों पर प्रियंका का नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम भी तय किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी करीब 5.5 घंटे अयोध्या में रहेंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो भी करेंगी। ये रोड शो कुमारगंज से शुरू होकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में समाप्त होगा। हनुमानगढ़ी में प्रियंका पूजा अर्चना करेंगी। बता दें कि प्रियंका के रोड शो को लेकर SPG ने कार्यक्रम स्थलों पर निरीक्षण किया, साथ ही रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारगंज, हरदोई, आदिलपुर, नौवाकुआ स्थानों के रोड शो और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और निर्धारित स्थलों के आयोजन से सुरक्षा को लेकर बातचीत भी की। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस द्वारा फेंका गया हुक्म का इक्का यानी प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव 2019 में कमाल कर पाती है या नहीं।